गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं बताऊँ आपको कि मैं अभी आके खड़ा हुआ हूँ सिद्धिबली बाबा मंदिर के सामने। और यहाँ पे मैंने ना अभी ये प्रसाद भी ले लिया है। बाकी अगर आप कोटद्वार आ रहे हैं ना तो ये सबसे मस्ट विजिट प्लेस है सिद्धिबली बाबा मंदिर का, जो कि हनुमान जी का एक बेहतरीन मंदिर है और थोड़ा सा ऊँचाई पर भी है। आपको जब आएँगे तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और साथ ही साथ पहले मैं ऊपर चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइस देखिए मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, उस समय सामने सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे अच्छा मैं आपको यहाँ पे अलग अलग जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। अभी यहाँ पे 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को यहाँ पे जो है श्री सिद्धिबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव यहाँ पर होना है 2024 का। तो गाइस यहाँ पे ना जो ये है मंदिर आपका, ये देखिए, और मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और ये देखिए, बाकी देखिए यहाँ से ना पूरा व्यू दिखता है आपको मंदिर का। और ये देखिए, और यहाँ पर मंदिर की ना लिफ्ट भी दे रखी है देखिए, तो जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते या फिर विकलांग हैं या जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट का बंदोबस्त किया हुआ है। बाकी ये देखिए मंदिर का व्यू है पूरा यहाँ से चारों तरफ, ये मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए यहाँ से ना मंदिर का व्यू है पूरा का पूरा आता है यहाँ से, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन व्यू है यहाँ से निकल के आता है। ये जो नदी जा रही है यहाँ पे इसका, इधर जो है नीचे उतरते ना सीढ़ियों में आपको लेफ्ट साइड में उधर ऊपर मंदिर है, और नीचे आपको यहाँ पे ये छोटा सा पार्क सा दिखाई देगा, ये सब बना हुआ है यहाँ पे। ओके, एक रास्ता इधर भी है जो कि आपको उधर उस तरफ सीढ़ियों से मंदिर की तरफ लेके जाएगा। तो दो रास्ते हैं मंदिर में आने के, जो मैंने जिससे मैं आया था वो लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड है। गाइस ये वाला जो रास्ता है ना, ये जो आपने पार्किंग वगैरह कर रखी होती है ये वहाँ का रास्ता है, जो आपको ये भंडारे वाली जो जगह है ना वो यहाँ पर लेके आता है। बाकी वो रास्ता एग्जिट का है, वहाँ से मैं नीचे निकलता हूँ। और ये प्लेस जो है ना, ये मंदिर अगर आप कोटद्वार आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मंदिर में से एक है, जो कि आप अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक मेरे दोनों साइड में ये वाला हिस्सा और ये जो सामने हिस्सा, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर का, वहाँ पर भी है प्रसाद की जगह, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो जो सामने आपको जो ये धर्मशाला दिखाई दे रही है, इसके बारे में बता दूं कि अगर आप सिद्धिबली मंदिर आते हैं या फिर कोटद्वार आते हैं और अगर आपको लैंसडाउन भी जाना है, तो जो सबसे बेहतरीन प्लेस है ना रुकने का गाइस, वो सबसे सस्ता और अच्छा जो प्लेस है वो है ये मंदिर धर्मशाला। और यह बता दूं आपको कि इसका जो प्राइस है ना मात्र 600-900 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस यहाँ पर स्टे करने के लिए ना आपको ना बुकिंग करानी पड़ेगी कम से कम एक महीने से, ये हमेशा हाउसफुल रहता है। तो अगर आप आएँगे तो आपको सबसे पहले जो है आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी। मैंने भी ट्राई किया था बुकिंग कराने का, लेकिन सक्सेस नहीं पाया था। तो आपको जब अगर आप आते तो आपको जो है बुकिंग आपको एडवांस में करानी पड़ेगी सिद्धिबली मंदिर की जो धर्मशाला है वहाँ पे स्टे करने के लिए। और बाकी यहाँ पे जो ई रिक्शा वाले हैं ना, ये सब आपको जो है कोटद्वार से यहाँ तक आपको छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे आइए आराम से, बाकी आपका पर्सनल व्हीकल है तो यहाँ पे पार्किंग भी आप कर सकते हैं। उधर है सिद्धिबली मंदिर और आपको दिखाई जो है ना सब जो नदी बहती है बहुत, ये पहाड़ों से होती हुई सीधा इधर की तरफ आती है, और जब आप लैंडस्टोन की तरफ जाएंगे तो इस नदी के नदी जो है ना आपको बीच बीच रास्ते में मिलती रहेगी। मैं आपको अभी जो है ना ब्रिज के ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको जो है ना काफ़ी सारे मंदिर दिखेंगे, एक मंदिर ये रहा, एक इसके पीछे एक और मंदिर है, वो आप जब आते हैं 2-3 जगह आप विजिट कर सकते हैं। बाकी मंदिर के अलावा जब आप इस रास्ते से जाते हैं ना, ये जो मंदिर का रास्ता है, जब आप ऐसे जाते हैं ना यहाँ से ऐसे होते हुए,
तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस है। तो जो लोग सिर्फ मंदिर आ रहे हैं या मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना वो कोटद्वार के एटमॉस्फेयर से काफ़ी चेंज हो जाता है। देखिए मेरे सामने जो है ना वो रिवर है जिसको खो रिवर बोलते हैं, और मैं इस समय आया हुआ हूँ यहाँ पे। मेरे पीछे सामने देखिए पूरे वो ऊपर पहाड़ है सारों की तरफ, पहाड़ बेहतरीन। ये ब्रिज है, ये देखिए ये ब्रिज है पूरा। अब आगे मैं रिवर की तरफ आना चाहता था तो मैंने इनको दिखा दूँ कि रिवर, तो यहाँ पे रिवर बैंक है पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है, उसको छोड़ते हैं, थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ। ये देखिए रिवर जो है ना ये पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा जब यहाँ पे बारिश होगी, और ये पूरा रिवर बैंक है। आप यहाँ पे आ भी सकते हैं जनरली, एक जब आप कभी आओगे तो आप नीचे भी आ सकते हैं आराम से। मैं ऐसे ही घूमता हुआ इधर की तरफ आ गया था। और एक चीज़ और दिखाता हूँ गाइस आपको मैं यहाँ पे कि ये देखिए मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे ना पानी आ रहा है काफ़ी। ये सारा पानी जो है ना ये पहाड़ों से आ रहा है, जो पानी से नीचे गिरता ना पहाड़ों का पानी वो सारा यहाँ से आ रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और पानी बिल्कुल साफ़ है। पानी की आप क्वालिटी देखो, एकदम साफ़ है। मैं आपको जो है ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा वो बना हुआ है, ये उधर से होता हुआ आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ पानी है बिल्कुल। कहने को नाला भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नाला जो है फिर भी इतना साफ़ पानी देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ये देखिए बिल्कुल साफ़ पानी है। नीचे का जो बेस है ना वो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यही है कुछ पहाड़ों की जो खासियत जो आपको पहाड़ों से जोड़ के रखती है। और बाकी ये भी ऊपर वापस जाने का रास्ता ब्रिज के ऊपर, ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये जो है ये है सिद्धिबली रिवर का ब्रिज, और अगर आप आए यहाँ पे कोशिश कीजिए कि नीचे भी रिवर की तरफ आए, और जो अगर पानी के जिस समय पानी यहाँ पे बह रहा हो तब तो ज़रूर आइए। और इधर से जो है रास्ता जब आप ऐसे जाते हैं तो लैंसडाउन की तरफ चला जाता है, बाकी इधर जो है लेफ्ट जाएंगे तो कोटद्वार के लिए जाएगा जो कि सामने है। तो गाइस सिद्धिबली मंदिर के दर्शन के साथ ही अपना ब्लॉग जो है हुआ ख़त्म यहाँ पे, और अब चलने का टाइम है घर पे वापस।